नमस्कार दर्शकों, रक्षाबंधन 19 अगस्त सोमवार को है। दोपहर 1:31 तक भद्रा है। भद्रा समाप्त होने के बाद रक्षाबंधन का त्यौहार विधि विधान पूर्वक मनाया जाएगा। रक्षाबंधन किस राशि के लिए, किस राशि वाले किस प्रकार की राखी का चयन करेंगे, वैदिक राखी का विशेष महत्व है, वैदिक काल में राखियाँ किस प्रकार की हुआ करती थीं, राशि के अनुसार राखी का क्या महत्व है, प्रत्येक राशि की चर्चा करेंगे तथा विधि विधान की चर्चा करेंगे। रक्षाबंधन का विधि विधान के बारे में बात करें तो रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र अथवा राखी बांधकर अपने भाइयों को तिलक लगाकर मिष्ठान खिलाकर अपनी रक्षा का वचन अपने भाइयों से लेती हैं। ये सभी जानते हैं। भाई भी अपनी बहन की रक्षा का संकल्प लेकर बहन को उपहार तथा धन आदि भेंट करता है। वैदिक राखी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। रक्षा सूत्र का रक्षाबंधन में सर्वाधिक महत्व है। कच्चे सूत से लेकर रंगीन कलावा, रेशमी धागे, सोने तथा चांदी तक की राखी हो सकती हैं, परंतु वैदिक राखी का अपना एक विशेष महत्व है। वैदिक राखी के बाद आपकी राशि के अनुसार कौन सी राखी बांधना शुभ रहेगा ये भी बताएंगे। तो पहले बात करते हैं वैदिक राखी की। वैदिक परंपरा में 5 वस्तु दुर्वा घास, अक्षत चावल, केसर चंदन और सरसों के दानों को रेशम के कपड़े में बांधकर कलावे में पिरोकर वैदिक राशि तैयार की जाती थी। वैदिक रक्षा सूत्र में ये 5 वस्तुएं अति महत्वपूर्ण हैं। दुर्वा गणेश जी को प्रिय है। रक्षा सूत्र में दुर्वा का प्रयोग इसीलिए किया जाता है ताकि भाई बहन के जीवन में आने वाले सभी विघ्न बाधाओं को विघ्नहर्ता गणेश जी हर लें। अक्षत यानी चावल का प्रयोग अक्षत सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। केसर अटूट प्रेम के लिए प्रयोग किया जाता है। चंदन की सुगंध भाई को सभी प्रकार के मानसिक तनाव से मुक्त रखती है तथा जीवन में शीतलता लाती है। सरसों के दाने जिसका प्रयोग वैदिक राखी में किया जाता है दुर्गुणों का नाश कर संकटों को समाप्त करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। सुप्ता के लिए वैदिक राशि बनाकर सर्वप्रथम अपने इष्ट देव को बांधने की परंपरा आज भी विद्यमान है। राशि अनुसार बांधेंगे राखी तो भाइयों की होगी रक्षा। साथ में ग्रह नक्षत्र भी बलवान होते हैं, राशि का स्वामी बलवान होता है। राखी का कोमल धागा अगर बहन प्रेम से शुभ मुहूर्त देख के भाई की राशि के अनुसार रक्षाबंधन के दिन भाइयों की कलाई पर बांधें तो ये रक्षा सूत्र भाई बहन के रिश्तों को मजबूत करता है, साथ ही ग्रहों को भी अनुकूल करता है। 12 राशियां होती हैं। सर्वप्रथम बात करेंगे मेष और वृश्चिक राशि, क्योंकि इन दोनों राशियों का राशि स्वामी मंगल है। अगर आपके भाई की मेष या वृश्चिक राशि है तो उन्हें लाल रंग की राखी बांधें ताकि मंगल का शुभ प्रभाव उन्हें प्राप्त हो सके, उनका जीवन मंगलमय हो सके, रक्षा सूत्र विशेष कारगर हो सके। वृष तथा तुला राशि जिसका स्वामी शुक्र है, अगर आपके भाई की वृष या तुला राशि है तो उन्हें चांदी की बनी हुई राखी या फिर चमकीले कलर की राखी बांधें। कुछ लोग हीरे अथवा उपरतन का भी प्रयोग करते हैं, सफ़ेद उपरतन का, एडी आदि की राखी बनवाकर भाई की कलाई पर बांधते हैं। उसके बाद मिथुन और कन्या राशि पर चर्चा करते हैं। जिसका राशि का स्वामी बुध है, अगर आपके भाई की मिथुन या कन्या राशि है तो आप उन्हें ऐसी राखी बांधें जिस पर भगवान गणेश जी गणपति की आकृति बनी हो या फिर हरे रंग की राखी हो, क्योंकि इन दोनों राशियों का स्वामी बुध है जिसे हरा रंग बहुत भाता है। कर्क राशि, अगर आपके भाई की कर्क राशि है तो उन्हें मोती से बना हुआ ब्रेसलेट राखी के रूप में बांधा जा सकता है, अथवा चंद्रमा को चांदी प्रिय है यानी कि कर्क राशि वाले भाइयों के कलाई में चांदी से बनी रक्षा सूत्र राखी को बांधा जा सकता है। इससे उनको मानसिक शांति मिलेगी तथा विघ्न बाधाओं का भी नाश होगा। सिंह राशि, अगर आपके भाई की सिंह राशि है तो उन्हें गोल आकृति की राखी जिसमें भगवान सूर्य बने हों अथवा सूर्य की किरणें बनी हों, सूर्य की आभा हो, उसका प्रयोग कर सकते हैं। सूर्य की किरण आपके भाई के जीवन में कष्टों को दूर करके सौभाग्य का उदय करेगी। धनु और मीन राशि जिसका स्वामी है देवगुरु बृहस्पति, अगर आपके भाई की धनु या मीन राशि है तो उन्हें पीले रंग की राखी बांधें।
ताकि उनके जीवन में उन्नति का मार्ग देवगुरु बृहस्पति की कृपा से प्राप्त हो सके। देवगुरु बृहस्पति रक्षा करते हैं। जन्मपत्री में जब बृहस्पति बलवान होता है तो उसका विशेष महत्व होता है, इसीलिए धनु और मीन राशि वालों को पीली राखी बांधना चाहिए। मकर तथा कुंभ राशि, अगर आपके भाई की मकर या कुंभ राशि है तो आप उन्हें ग्रे अथवा डार्क चॉकलेट रंग की राखी बांध सकते हैं, जिसके फलस्वरूप आपके भाई के जीवन में जो भी बाधाएं हैं वह समाप्त होगी। शुभ मुहूर्त में रक्षाबंधन करेंगे तो भाई को पीछे नहीं मुड़ के देखना पड़ेगा। रक्षाबंधन का त्यौहार ग्रहों के अनुसार मनाएंगे तो उसका जो इफेक्ट है, उसका जो प्रभाव है, वह कई गुना दिखाई पड़ेगा, जो जीवन में सुख समृद्धि लाएगा तथा बहनों की भाई रक्षा भी करेंगे और रक्षाबंधन का त्यौहार सार्थक होगा।